लेकिन पापा ने दिलाया है भाई, मेरी खुद की मेहनत का नहीं है, पापा ने दिलाया है। आप थोड़ी मेहनत करें इसके चैनल में ताकि खुद की मेहनत से लाए। आप सिर्फ इतनी मेहनत करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो बस। ये बाल रक्षा किट ये बच्चों के लिए, वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए। एक बार खोल इसको जतिन, क्या क्या इसमें एक बार एक एक करके निकाल। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये आरजू, ये जस्ट आज मेरे साथ ही कॉलेज आई है। आज है शनिवार भाई, मन तो नहीं कर रहा था कॉलेज आने का क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है, और कल छुट्टी है तो नहीं कर रहा था मन, और कल की भी छुट्टी थी वैसे, तो सिर्फ आज के लिए आए हैं क्योंकि आना भी पड़ेगा भाई, मेडिकल कॉलेज है, अटेंडेंस का इशू होता है हमारे, अटेंडेंस का, तो अभी वही पूरी करने जा रहे हैं। तो उरा नोटिस भी आ चुका है भाई, जिस जिसकी अटेंडेंस कम है ना उनको डिपार्टमेंट में बुलाया है, तो आज वहाँ भी जाना है हम सबको, देखते हैं किस किस की कम है, किस किस की ज़्यादा है। तो अभी तो लेते हैं हम क्लास, मिलते हैं आपसे बाद में। तो 128 में तो बाकी भरी पड़ी है, 128 क्या 128 वो सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा। हाँ तो दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी, मेरे लिए सॉरी, दिखा दे एक बार, आपके भाई ने आईफोन ले लिया है भाई, लेकिन पापा ने दिलाया है भाई, मेरी खुद की मेहनत का नहीं है, पापा ने दिलाया है। आप थोड़ी मेहनत करें इसके चैनल में ताकि खुद की मेहनत से लाए। आप सिर्फ इतनी मेहनत करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो बस। देखो तरीका है भीख मांगने का, इतनी चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए, ताकि भाई मैं भी खुद के पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है ना, पापा को बार बार बोलना पड़े। और वैसे थैंक यू मेरे पापा को, जिन्होंने मेरे को आईफोन दिलाया, ये आईफोन उन्हीं के नाम है। ऐसे नहीं है भाई बड़े बड़े डींगे हापेंगे कि हाँ भाई ये मेरी मेहनत का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पापा ने दिलाया, साफ बता दूँ। और अभी है हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी, तो चाय पीने आए, उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल ड्यूटी करने, तो एक बार आईफोन दिखा दे अच्छे से। ओपनिंग सेरेमनी आईफोन हो चुकी पहले, ये तो बनाता है, इसका ब्लॉग बनाता, लाने का ब्लॉग बनाता, लेकिन मेरी क्या तबीयत ख़राब है, इसके चक्करों में नहीं बना पाया, जैसा है वैसे देख लो आप, ठीक है। और अभी पीते हम चाय, मेरे को लेनी है दवाई, लेकिन हाँ मैडम जानकारी ना उनसे बोलना, क्या बोल मैडम, दो बार का चेक चाहिए तो एंट्री करा लो, ठीक है सर, ठीक है, मिल जाएंगे क्या अंदर देख के आओ, अरे उनको डायरेक्ट। अभी टाइम हो रहा है 12, बट मैं ड्यूटी नहीं कर रहा हॉस्पिटल वाली, क्योंकि मेरे खुद की तबीयत ख़राब है, वहाँ जाके मैं खुद तो बीमार हूँ ही, जो सामने वाला पेशेंट आएगा उसको बीमार करूँगा, इससे अच्छा है कि ड्यूटी ना करूँ। अब मस्त क्लास में जाऊँगा, वहीं थोड़ी देर बैठूँगा, लंच करूँगा, ठीक है, और मेरे को लगता आज क्लासेस वगैरह होगी, क्योंकि आज शनिवार भी है, ऊपर से कल की छुट्टी थी और कल की और छुट्टी है, तो क्या नाम है, आज कोई ज़्यादा बच्चे आए नहीं क्योंकि सब या तो घर भग गए, क्योंकि सबको घर जाने की जल्दी लगी रहती है, क्योंकि बेचारे यार दूर से आते हैं, मतलब गांव वगैरह से, तो घर चले जाते हैं और फेस्टिवल का माहौल और चल रहा है। ले जतिन अनबॉक्सिंग का टिफिन का कर कर बोल के। हाँ तो गाइस सील, जूम करके देखेंगे आप तो दिखेगा, आप पर्सनली भी आके देखेंगे। हाँ तो आज इसमें क्या लाए हैं पता चलेगा बहुत जल्दी। और एक और छोटा टिफिन जिसके अंदर है सब्जी, रोटी एल्युमिनियम फॉइल में लिपटी हुई, जिसे कि आप देख सकते हैं, जिसे हम दोनों खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो एक बार टिफिन का दिखा, सब्जी कौन सी लाया तू? और ये सब्जी है जो है दाल, दिखने में बहुत टेस्टी लग रही है, खा के हम ज़रूर बताएंगे आपको कैसी है, ठीक है। तो अभी हम खाना खाते हैं। नहीं रोटियाँ दिखा, रोटियाँ लाया, पराठे लाया, रोटियाँ लाते हैं पराठे नहीं लाते। अच्छा तो रिव्यू दे खा के देंगे आपको रिव्यू, खा के लिए नहीं नहीं तब तक के लिए रिव्यू दे खा, एक तब तक के लिए एक टाटा लाविस नहीं वाइट लेक, और फिर बोल क्या रिव्यू देना है इसमें, अपने घर की रोटी सब बढ़िया है। चाकर भी तो है ना, मतलब ख़राब भी वो नहीं दे सकते क्योंकि तेरे घर की है। तो अभी हमने खा लिया खाना वाना,
और अब आ चुकी है पहले से थोड़ी बहुत एनर्जी, क्योंकि तबीयत ख़राब है भाई, तो इसलिए। और अभी हमको नहीं लगता था अभी क्लास होगी, तो इससे पहले हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को लेनी है दवाइयाँ कुछ घर के लिए। पड़ोस में क्या है, एक बच्ची है छोटी सी, तो हमारे बाल रोग डिपार्टमेंट है, उसमें बाल रोग रक्षा किट मिलता है, तो उसमें बच्चों के लिए तेल वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, बच्चों के जो सही रहती है ना दवाइयाँ, वो लेने जानी है। तो ये बाल रक्षा किट ये बच्चों के लिए है, वैसे तो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए। एक बार खोली इसको, जितने क्या क्या इसमें, एक बार एक एक करके निकाल। एक आपको इसमें मिलेगा च्यवनप्राश IMPCL, एक है च्यवनप्राश चिल्ड्रन, च्यवनप्राश पता ही है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों की। इसमें मिलता है आपको बाल आयुष क्वाथ, तेल है ना ये, क्वाथ है, क्वाथ है सॉरी, हाँ क्वाथ है ना, मतलब पीने के लिए काम आता है ये। ये अश्विनी वटी है, अश्विनी वटी ये टेबलेट है, छोटी छोटी गोलियाँ इसमें, ये तेल दो है, तेल है दो, तेल कौन से बाल आयुष क्वात है ये भी, हाँ तेल भी है दो, अणु तेल, ये दो अणु तेल, और क्या बस बस यही। जिंदगी बड़ी जाले में आ गए, रोज दर्द देती है, रोज दर्द देती है, और मैं चप्पल भी पहनता हूँ तो टूटने तक पहनता हूँ ना। Once more! जोर दे कुछ। तो अब जाना है हमें रायसर प्लाजा, जो कि मोबाइल के एक्सेसरीज के लिए फेमस है। मैंने जो आईफोन लिया है उसके लिए टेम्पल लेने जाना है और कवर लेने जा रहा है, क्योंकि महंगा फ़ोन है भाई, गिर गया तो आत्माएं निकल जाएगी मेरी, क्योंकि पापा बार बार दिलाने नहीं वाले, तो उसी को संभाल के रखना पड़ेगा भाई। ये है रायसर प्लाजा, यहीं से मेरे को फ़ोन का कवर वगैरह लेना है। कवर ले लिया आईफोन का, टेम्पर लगवाना, टेम्पर भी लगवा लिया, इसके पीछे शीट लगवानी थी वो भी लगा। अब प्रॉपर तरीके से आईफोन रेडी हो चुका है मेरा, अब इसके बाद के सारे ब्लॉग भाई इसी से आएंगे। अब भाई मार्केट में घूमते घूमते हमको लगने लग गई भूख, तो सोच रहे कुछ जूस वगैरह पी लें और फिर अपने अपने घर निकलेंगे, ये अपने घर निकलेगा, मैं अपने घर निकलूँगा। फाइनली भाई साहब अपन आ चुके हैं अपने प्यारे घर पर, और घर पर आने के बाद जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, ओए होए उसका तो क्या ही कहना। ये समझ लो भाई पूरे दिन भर तुम कहीं भी हो लो, जब तक घर नहीं आओगे तुमको सुकून नहीं मिलेगा। यही हाल मेरे साथ होता है। कॉलेज पहले अपन कॉलेज थे, कॉलेज में पूरे दिन बिताए, क्लासेस वगैरह ली, ड्यूटी वगैरह किया, दोस्तों से थोड़ी बहुत बातें करी, इंजॉय किया, थोड़ा पढ़ाई करी, उसके बाद फिर अपन गए थे मोबाइल के एसेसरीज के लिए रायसर प्लाजा, जो कि कॉलेज से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर भी नहीं है पूरा, तो वहाँ गए थे। वहाँ से इसकी जो भी कपड़े वगैरह कवर वगैरह जो भी था वो लेके आए थे वहीं से, उसके बाद सीधा वहाँ से घर पर। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, है ना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, लाइक करो वीडियो को अभी के अभी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।